अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास सबसे कीमती चीज़ कौन सी है जो सबसे ज़्यादा समय आपके साथ रहती है, तो शायद आप भी अपने प्यारे से मोबाइल फ़ोन की तरफ ही देखेंगे। अब ज़रा सोचिए कि आप भीड़ भरी मेट्रो या बस में सफ़र कर रहे हैं और अचानक आपका हाथ अपनी पैंट की जेब में जाता है, आपके होश उड़ जाते हैं, आपका प्यारा मोबाइल फ़ोन गायब है। शातिर मोबाइल चोर पलक झपकते आपका फ़ोन गायब कर सकते हैं। फ़ोन चोरी होने पर उसकी कीमत का नुकसान तो होता ही है, उससे ज़्यादा नुकसान उस फ़ोन में रखे हमारे प्राइवेट डेटा का होता है। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देते हैं जिसके ज़रिए अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए तो आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया हो तो पहला काम ये करें कि डिवाइस को तुरंत लॉक करवा दें। इसके साथ ही अपने नेटवर्क ऑपरेटर से संपर्क कर अपना नंबर कैंसिल कराने के लिए कहना ज़रूरी है, ताकि फ़ोन किसी के लिए भी काम का ना रह जाए। आपको ऑपरेटर की वेबसाइट से पता चल जाएगा कि इसके लिए किससे संपर्क करना है। IMEI नंबर से भी ऐसा किया जा सकता है। ये एक इंटरनेशनल रजिस्ट्री होती है जिससे आप मोबाइल को तुरंत बंद करा सकते हैं। इसलिए इस कोड को कहीं लिखकर रख लें, डिवाइस बॉक्स या मोबाइल फ़ोन में ये नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा ज़रूरी काम है कि आपको अपने मोबाइल पर मौजूद सभी ऐप के पासवर्ड बदल देने चाहिए। ऐसा नहीं करने पर फ़ोन चुराने वाले आपके पर्सनल और दूसरी अहम जानकारियों तक पहुंच सकते हैं। आमतौर पर बैंकिंग ऐप्स खुद ब खुद ऑथेंटिकेट नहीं करते, लेकिन ईमेल, सोशल मीडिया, SMS के जरिए फ़ोन रखने वालों को SMS ऑथेंटिकेशन के जरिए पासवर्ड बदलने की सुविधा दी जाती है। कुछ ऐप्स अपनी वेबसाइटों पर पासवर्ड बदलने की इजाज़त देते हैं, इससे आप तुरंत सब कुछ बदल सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्क पासवर्ड सिक्योरिटी और लॉगिन सेक्शन में जाकर बदल सकते हैं। जीमेल में पासवर्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन में जाकर बदल सकते हैं। तीसरा ज़रूरी काम है कि तुरंत अपने बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों को फ़ोन चोरी होने के बारे में बताएं। इससे बैंक आपके फ़ोन पर मौजूद ऐप को ब्लॉक कर सकेंगे। अगर अपराधी आपके अकाउंट से पैसा किसी थर्ड पार्टी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यह भी रुक जाएगा। हर बैंक के पास इस तरह की सर्विस देने का अपना चैनल होता है, अमूमन उनकी वेबसाइट पर इसका जिक्र होता है। चौथा काम आपको ये करना है कि अपने फ़ोन चोरी होने की सूचना परिवार वालों और दोस्तों को बतानी है, क्योंकि अपराधी मैसेजिंग ऐप या सोशल नेटवर्क पर आपके रिश्तेदारों और दोस्तों के कॉन्टैक्ट खोज सकते हैं और उन्हें स्कैम या शिकार बना सकते हैं, उनसे पैसे या बैंक डिटेल मांग सकते हैं। आखिरी और सबसे ज़रूरी काम है मोबाइल चोरी होने की शिकायत पुलिस में ज़रूर दर्ज कराएं। इससे आपके पास फ़ोन चोरी हो जाने का सबूत रहेगा। बैंक, बीमा कंपनी और कुछ दूसरी जगहों पर भी आपको इस सबूत की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार मोबाइल चोरी होने के बाद उसमें मौजूद आपकी पहचान से जुड़े दस्तावेज भी चुरा लिए जाते हैं। पहचान दस्तावेजों के बगैर आपको दिक्कत हो सकती है, पुलिस आपसे पूछताछ कर सकती है, इसलिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराना बेहद ज़रूरी होता है।